उत्तराखंड के नैनीताल में आयोजित ईजा वेणी महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके तहत जनपद चमोली में 40.58 करोड़ की 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बता दें कि जनपद चमोली में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि भूपाल राम टमटा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश सरकार द्वारा जिन योजनाओं की घोषणाएं की जाती है उनका शिलान्यास और लोकार्पण के साथ धरातल पर उतारा जाता है। जनपद चमोली के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुख्य अतिथि भूपाल राम टमटा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का जो लोकार्पण और शिलान्यास किया है, निश्चित रूप से मैं अपने देशों से युवा मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और साथ साथ जो अभी एक घटना घटी थी जो उत्तरकाशी के सिरकियारा में जो हमारे 41 मजदूर फंस गए थे, जिस प्रकार उन्होंने एक रात दिन मेहनत करके और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उनके दिशा निर्देशन में जिस प्रकार से सारे मजदूर सकुशल लौटे हैं, उसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई क्षेत्रवासियों को। और चूंकि ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ पर ऐसी घटना कहीं ना कहीं हम सब लोगों को चिंता में डाले हुए थे, और कल जो माहौल था, जो खुशी थी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, उसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का